नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर, जहां दोस्तों हरियाणा सरकार ने जो कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित करने का जो फैसला लिया है, जिसकी घोषणा कर दी गई है। साथियों, इस फैसले से बहुत सारे कर्मचारी संगठन खुश भी नजर आ रहे हैं तो कुछ कर्मचारी संगठन नाराज भी नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से बात करें तो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी दोस्तों इससे नाराज नजर आए और बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं जो इस पर आवाज उठा रहे हैं। भाई इस फैसले को जो है गलत बता रहे हैं, कर्मचारियों के हक पर डाका बता रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी दोस्तों इस फैसले का विरोध कर रही हैं और कर्मचारियों के हित में इसको नहीं बता रही हैं। तो आइए इस वीडियो में दोस्तों इसी तरह की खबरों पर नज़र डालते हैं। भाई कहां से जो कर्मचारी खुश नज़र आ रहे हैं और कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जो नाराज नज़र आ रहे हैं और विपक्ष क्या कहता है। तो सबसे पहले विपक्ष की आवाज़ इसमें सुनते हैं, क्या कहा गया है। तो जो विपक्ष की नेता है कांग्रेस की साथियों कुमारी सैलजा, उन्होंने बताया है कि कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा की गारंटी पर जी हाँ सवाल उठाए हैं। साथियों, बहुत सारे कर्मचारी जो लगातार मांग कर रहे थे वो था पक्का करने की, लेकिन सरकार ने इसको पक्का न करके सिर्फ और सिर्फ 58 साल तक रोजगार सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि सैलरी भी बढ़ती रहेगी, जो डीए बढ़ता है 6-6 महीने में पक्के कर्मचारियों की तरह, लेकिन कुछ बहुत सारे भत्ते ऐसे भी होते हैं जो एक पक्के कर्मचारी के तौर पर ही मिलते हैं, वो इनको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर इसको आवाज उठाते हुए जो कुमारी सैलजा, उन्होंने बताया है कि कर्मचारियों के साथ एक तरह से ये धोखा है और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कर्मचारियों की नौकरी को पक्का किया जाएगा और कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाएगा। जी हां, सैलजा का कौशल रोजगार निगम को भंग करने का वादा। तो यहां पर विपक्षी नेता ने दोस्तों इस सरकार के फैसले पर जो है एक तरह से सवाल उठाए हैं और ये कर्मचारियों की मांगों पर कुठाराघात ऐसे कह सकते हैं किया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है कांग्रेस नेता की तरफ से। आगे देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों बता दें आप लोगों को, अभी जो 50,000 से ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारी हैं उनको इस फैसले में शामिल नहीं किया गया है, तो अब वो भी चाह रहे हैं कि उनको भी शामिल किया जाए। अब इसमें कौन से आते हैं, जो लेक्चरर वगैरह जो लगे हुए हैं वो इसमें शामिल होते हैं। साथियों बता दें आप लोगों को, एक जो हुक्टा कर्मचारी साथियों का संगठन है, संघ है, वो यहाँ पर मिलने में पहुंचा हुआ था एक डेलीगेशन, उनका जो मुख्य प्रधान सचिव है राजेश खुल्लर जी से चंडीगढ़ में, तो उन्होंने मुलाकात की और अब इस अध्यादेश को जो है इसमें इन कर्मचारियों को भी इस अध्यादेश में कवर किया जाए, इसकी मांग की। जी हाँ, यही बात एक्सटेंशन लेक्चरर को भी कही गई है। उन्होंने कहा कि 50,000 की कैप के जो लगाई है सरकार ने वो सही नहीं है, अगर 50,000 की कैप लगाएंगे तो वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि अगर जिसकी सैलरी 50,000 से नीचे है तो वो इसमें ज़रूर शामिल हो जाएगा, जो चाहे वो जो एक्सटेंशन लेक्चरर है वो भी क्यों ना हो। लेकिन एक साथी ने पूछा था क्या इसमें एक्सटेंशन लेक्चरर कवर होते हैं, वो कवर ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा सैलरी अगर आपकी चली गई है बढ़कर तो फिर इसमें कवर नहीं होंगे, ये बात सीधी सी है। हालांकि इसमें यहाँ पर यह मांग की गई है भाई जो है इस कैप को हटाकर 50,000 के बजाय 60,000 की जाए ताकि ये भी इसमें कवर हो जाए। अब इनके साथ परेशानी ये है कि ये दोस्तों 7वें पे आयोग का जो है लाभ ले रहे हैं, जो न्यूनतम पे स्केल है 57,700, ठीक है, तो इसके हिसाब से इनकी जो सैलरी है वो ज़्यादा बनती है, तो ये 60,000 वाली में कवर हो सकते हैं लेकिन 50,000 वाले में कवर नहीं होते। तो इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि जो इनको भी कवर किया जाए, जो 50,000 से ज़्यादा सैलरी जिनकी बनती है, और इनको आश्वासन भी दिया गया है कि अधिकारियों के साथ बात करके तो इसमें कवर करवाने की कोशिश आप लोगों को की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कैथल से देख लेते हैं, रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बजाय सर्विस सिक्योरिटी एक्ट लाकर कर्मचारियों के साथ धोखा, रामरतन। जी हां, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारी संगठन के नेता जो प्रधान हैं रामरतन जी, इन्होंने यहां पर दोस्तों ये बात बोली है कि ये कर्मचारियों के साथ धोखा है। कर्मचारी पक्की नौकरी के हकदार हैं, सैंक्शन पोस्टों पर काम कर रहे हैं और ये अपना कार्यकाल दोस्तों जो सरकार की कंडीशन है वो भी सारी की सारी पूरी करते हैं, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ इनको जो है रोजगार सुरक्षा दी जा रही है 58 साल तक, न कि पक्का किया जा रहा है। अब जो कर्मचारी, जी हाँ, जो कर्मचारी साथी एक सरकारी कर्मचारी के लाभ के बारे में गहनता से जानता है, उसको वास्तव में पता है एक सरकारी कर्मचारी को क्या लाभ मिलते हैं, तो साथियों वो जरूर इस 58 साल वाली पॉलिसी का विरोध करेगा। अब पार्ट 2 के कर्मचारी सैंक्शन पोस्टों पर काम करें तो जाहिर ही बात है वो तो पक्का होने के ही हकदार हैं, वो सारी की सारी कंडीशन पूरी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है पार्ट 2 कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहा है। लेकिन एक बात तो साथियों आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, एक ऐसी नौकरी जिस पर हमेशा तलवार लटकी रहती थी वो अगर सुरक्षित हो जाए तो भी बड़ी बात इसको कह सकते हैं। अगर सरकार कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आती, जैसे कि 2014 में हुड्डा सरकार ने बनाई थी। अब आप सोच कर देखिए, 2014 में हुड्डा सरकार ने जाते जाते एक पॉलिसी बनाई और आज तक वो सारे के सारे कोर्ट केस चले हुए हैं। सभी के सभी कर्मचारी हालांकि काम जरूर कर रहे हैं कर्मचारी, लेकिन वो जो मानसिक रूप से प्रताड़ित वाली जो एक तरह से बात है वो तो चल ही रही है। 10 साल हो गए हैं। अब जो हुड्डा सरकार है उसने भी बिल्कुल जाते जाते इन्हीं महीनों में काम किया था आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारियों को पक्का करने का, और मात्र 4000 कुछ कर्मचारी उसमें शामिल थे। अगर पॉलिसी बनाते और सही सही रूल लागू कर देते और उसमें 5-6000 ही कर्मचारी शामिल होते तो 1,20,000 कर्मचारियों को शामिल करने की बात कर रही सरकार। इतना तो पक्का है कि 1,20,000 उसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशनें होती हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन जो है उनको बना दिए जाते हैं। और दूसरा साथियों, यहाँ पर बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन इसका विरोध और जो कर्मचारी संगठन कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए साथियों कि कानूनी दांव पेच इतने हैं, इतने ज़्यादा हैं कि ये जो अगर इस टाइम अगर कोई ना कोई पॉलिसी बना भी देती सरकार तो वो भी कोर्ट में ही चैलेंज की जाती किसी ना किसी के द्वारा। इतने सारे कानून के जानकार कानूनविद बैठे हैं। तो ये जो सुरक्षित वाली पॉलिसी है ये ज़्यादा वास्तव में सुरक्षित ही है। इसमें कर्मचारियों को राहत कुछ ये मिली है कि ज़्यादा कर्मचारी इसमें कवर हो गए। दूसरा, यहाँ पर उनके ऊपर जो तलवार लटकी रहती थी नौकरी की वो थोड़ा सा सुरक्षित हो गए। रही सैलरी वगैरह की बात, तो आने वाली जो सरकारें होती हैं वो कोई भी इस तरह के जो एक तरह से कल्याणकारी जो फैसले होते हैं उनको पलटने में बहुत ज़्यादा संकोच करती है। और जैसे एक बार जैसे मान लीजिए जैसे पेंशन थी, बुढ़ापा पेंशन, वो 100 रुपये से शुरू हुई थी तो आज तक वो बढ़ती चल रही। किसी सरकार की हिम्मत नहीं है उसको कम कर दे या फिर उसको घटा दे। तो ये भी आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे। अभी तो 58 साल तक रोजगार सुरक्षा मिली है, लेकिन इनकी सैलरी के संबंध में या सुविधाओं के संबंध में, भत्तों के संबंध में कोई ना कोई जो है घोषणाएँ होती रहेंगी और इनको सुविधाएँ जो इनकी लगातार बढ़ती रहेंगी। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है कि आने वाले समय में इनको कुछ ना कुछ कोई ना कोई सरकार देती रहेगी और इनको जो है लाभ मिलते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर नांगल चौधरी से अपडेट है। कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी करके सरकार ने युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया, दयाराम यादव। तो दोस्तों यहाँ पर दयाराम जो यादव जी हैं भाजपा के जिला प्रधान, तो अब यहाँ पर श्रेय लेने का जो है होड़ तो लगी जाएगी। तो भाजपा नेता जितने भी थे वो अब यहाँ पर दोस्तों जो है इसका श्रेय लेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। श्रेय लेना भी चाहिए क्योंकि एक बड़ा कदम है। इतने सारे कर्मचारी एक साथ दोस्तों उनको सुरक्षित करना, तो ये बड़ा कदम कह सकते हैं वास्तव में कोई भी। इसके बाद टोहाना से देख लीजिए, अनुबंधित कर्मचारियों के रोजगार सुरक्षित करने एवं सम्मानजनक वेतन देने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। तो मुख्यमंत्री का आभार जताया है अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने रोजगार सुरक्षित करने पर। तो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ तो इससे जो है खासा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि कर्मचारियों का संघर्ष अभी भी जारी था। पैदल यात्रा भी अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ निकाल रहा था। फतेहबाद से देख सकते हैं, यहाँ पर भाजपा सरकार ने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का लिया ऐतिहासिक फैसला। हालांकि ये थोड़ा सा गलत कोट है, पक्का नहीं किया गया है, रोजगार सुरक्षित किया गया है सिर्फ। तो यहाँ पर जो भाजपा नेता हैं इन्होंने जो है सरकार का धन्यवाद किया है और इन्होंने दावा किया है कि तीसरी बार भी आएंगे। इसके बाद यहाँ पर अमित कंबोज जी यहाँ पर हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पर जो है सरकार के कार्य की सराहना की है। भाजपा सरकार ने कौशल रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा की गारंटी देकर सराहनीय काम किया है। तो भाजपा नेता अब इसका प्रचार प्रसार करने में लग गए हैं और करना भी इनको चाहिए। पूर्व मेयर मदन चौहान का धन्यवाद करने पहुंचे थे कर्मचारी संगठन। इनको दोस्तों जो ठेकेदार प्रथा से एक तरह से चंगुल से जो छुड़वा दिया है सरकार ने 1,20,000 कर्मचारियों को, तो यहाँ पर कर्मचारी इनका भी धन्यवाद करने पहुंचे थे। तो यहाँ पर भी भाजपा नेता ने दोस्तों जो है इसका फैसले को अच्छा बताया और सम्मानजनक फैसला बताया है। इसके बाद कृषि मंत्री से यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी पहुंचे हुए थे धन्यवाद करने के लिए। 35 साल में पहली बार कर्मचारी की मांगों को सुना गया है आलोक। तो यहाँ पर कौशल रोजगार निगम से संबंधित कर्मचारी पहुंचे हुए हैं कंवरपाल गुर्जर जी के आवास पर, किसान कल्याण मंत्री जो हैं फिलहाल के लिए, और इन्होंने इस कदम को सराहनीय बताया है। धन्यवाद कर्मचारियों ने किया है। यमुनानगर में भी आप लोग देख पाएंगे सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों को दी है राहत। तो यहाँ पर राहत से कर्मचारी खुश नजर आ रहे हैं और मिठाई बांटकर जो अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।